इस प्रकार से लाइन लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ से आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद में ये बताएंगे कि भाई अंदर कौन से रूम में जाना है, तो वहाँ से अपने को तो वही हो। आज की हमारी गुड मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग हो रही है हमारी दिल्ली से। दिल्ली में अभी हम हैं केंद्रीय सचिवालय, तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो SOL का जो कैंपस है वहाँ पे, तो आपको भी लेके चलते हैं। अभी येलो लाइन लेकर यहाँ से जाएंगे यूनिवर्सिटी के कैंपस, जो कि है विश्वविद्यालय के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे, वहाँ पर चलना। जिसके बाद यहाँ से चलते हैं, वहाँ पर चलेंगे आपको बता सकते हैं। विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन वो आ गया, सब चलते हैं। मास्क लगाना बहुत जरूरी हो यहाँ पे, वरना पता ही नहीं लगेगा तो फोट हो जाएगा। बीच में रोक दीजिए, निकले वही अपने बाहर। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो ये ऐसा कुछ मेट्रो स्टेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का। इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो भाई अभी हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, तो विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आ गए हैं। अभी विश्वविद्यालय के मेट्रो स्टेशन के बाद यहाँ से बाहर निकल के हम जाएंगे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पे। तो अभी विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है, वो भी एक बार आपको दिखाएंगे। वही कुछ इस प्रकार से जो यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है, जो विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है, वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। उधर की साइड जो हुड्डा सिटीजन की तरफ जाती है वो है, फिर यहाँ पर एक छोटी सी जो इवेंट कॉर्नर है वो बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 75वीं आज़ादी का महोत्सव देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने परिजन से बिछड़ गया है, उसके बाद यहाँ पे है तो सिपाही का विद्रोह है 1857 वाला, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में जो स्वदेशी आंदोलन चला था 1905 में, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह 1917 का असहयोग आंदोलन 1920, तो ये सारा कुछ
लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और ऐसे टाइम होता है तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकती हैं। वो यहाँ पे साइमन आयोग 1928 फिरताड्डी मार्च के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये ऐसा कुछ रहने वाला है, यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो ऐसा कुछ रहने वाला है। उसके बाद में अगर उस साइड देखें तो वहाँ पर हमें एक बुक स्टॉल भी दिख जाता है, बुक स्टॉल। उसके बाद में जो इस साइड जो दो नंबर बूथ, जो दो नंबर का प्लेटफॉर्म है वो समयपुर बादले की तरफ जाता है, और जो एक नंबर वाला है वो आपको बता ही दिया है कि जो हुड्डा सिटी सेंटर है उस साइड जाता है। चलिए अभी यहाँ से लेते हैं एग्जिट, एग्जिट पॉइंट कुछ इस साइड से भी है एग्जिट का। गेट नंबर 3 और 4 है छत्र मार्ग विश्वविद्यालय श्री खालसा कॉलेज IGB 5B। सो चलते हैं, अपने को तो बाहर निकलना है, बाकी बाहर जाके जो ऊपर से जो कैसा व्यू आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी तो नीचे हैं तो भाई नीचे का ही देख लो भाई। अभी हम जो विश्वविद्यालय है, जो मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर आ गए हैं, तो बाहर से कुछ ऐसा ही है, दिखाते हैं अभी एक बार बैक कैमरे से। अगर हम बाहर से देखें विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन तो कुछ इस प्रकार से है। अभी इसका कलर ब्लू कर दिया, पहले ये रेड कलर में, रेड और वाइट में काफ़ी शानदार लगता था पहले, अभी भी ब्लू कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ पर एक खाने पीने की शॉप है, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। उसके बाद ये रास्ता जाता भाई कैंपस की तरफ, तो जो ये पाथ है ये पाथ फॉलो करते हुए हम कैंपस की तरफ जा सकते हैं। तो कैंपस की तरफ जाने के लिए आपको सिर्फ यही पास जो पाथ है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, लेके चल रहे हैं आपको कैंपस में। इसको ये सीधा जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ शॉप्स देखने को मिल जाएंगी, चाहे आप यूनिवर्सिटी का रोड है, ये जो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का रोड है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हम। वैसे तो जो कैंपस है उसके अंदर अभी जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाने के लिए हम हमारे पथ पर है अग्रसर है भाई। तो आप भी हमारे पथ पर अग्रसर बढ़े रहिए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL के कैंपस के SOL के जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ पे जाना है तो आप हमें ऐसे फॉलो कर सकते हैं भाई, और हमारे YouTube के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL के छात्र हैं तो हमें खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी आपके कैंपस को ऐसे भी देखोगे तो, क्योंकि बहुत कम वीडियोज़ मिलती हैं हमारे कैंपस की। ये आगे से दो छत्र आ रहे हैं, होनार होनार छत्र। बाकी कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी हमें आगे जाके लेफ्ट लेना है। तो पहले तो आगे ही चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे लेफ्ट। तो वही देखो बात कुछ ऐसे ही है, ज़्यादा कोई वो तकड़ा मौजी वाला सीन नहीं है, अपने आराम से अकेले आए हैं भाई, जा रहे हैं मौज ले रहे हैं। तो भाई अब यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, लेफ्ट लेने के बाद यहाँ पे हमें दिखेगा हिंदी अकादमी दिल्ली का एक बोर्ड लगा हुआ है हिंदी प्रसार केंद्र। तो इस साइड अपने को जाना है, और ये इस साइड मुड़ते ही अपनी आ गई जो कैंपस है अपना वो आ गया भाई मेन केंद्र, जहाँ पे हमारा काम है वो होगा। तो भाई जो अगर आपको DU की कोई भी अगर
अगर कोई भी टेन ईयर वगैरह से ये हो बीए की बीकॉम की तो यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी, जैसे कि जनरल नॉलेज की मिल जाएगी साथ में, अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं तो अमर की बीए की सेकंड ईयर एजुकेशन की जितनी भी आपको जो एसओएल की जो बुक्स हैं उनके टेन ईयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, आप चेकआउट कर दो भाई एक बार। तो भाई अगर आपको जो अगर आप डी यू के एसओएल से बीए या फिर बीकॉम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके यहाँ से टेन ईयर ले सकते हैं, क्योंकि बीए की या फिर बीकॉम है उसकी जो डी यू एसओएल की है वो टेन ईयर है या फिर पुराने क्वेश्चन एग्जाम पेपर बाहर कहीं पे नहीं मिलते, तो सिर्फ यहीं पे मिलते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर, यूनिवर्सिटी के गेट पर ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप कहीं और कहीं सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे मत करें, क्योंकि अगर मिलेंगे भी तो अच्छे से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर से आके लेते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगी बुक्स और सभी की सभी बुक्स मिल जाएंगी। तो अगर आपको भी चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं आप ज़रूर। भाई लॉकडाउन के बाद जो डायरेक्ट एंट्री होती थी वो वाले नहीं हो रही है, इसके लिए हमें स्पेशल टोकन लेके उसके बाद ही अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद भी अंदर जो मोहर वगैरह का काम है वो होगा। तो ये जो इस प्रकार से लाइन लगी हुई है यहाँ पे, यहाँ से आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद में ये बताएंगे कि भाई अंदर कौन से रूम में जाना है, तो वहाँ से अपने को ये कुछ ऐसा हमें टोकन दिया है, अभी ये दिखा के गेट पे, उसके बाद में हम अंदर जाके अंदर का दिखाते हैं। अंदर से कुछ डी यू एस वाल कुछ ऐसी है, यहाँ पे रूम वगैरह ना मिले तो यहाँ से आके देख लेना, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि कौन से रूम में क्या काम हो रहा है, कौन से रूम में क्या काम हो रहा है, तो यहाँ से आके आप विंडो भी देख सकते हैं, विंडो चेक करके फिर वहाँ विंडो पे जाके अपना जो काम है वो पूरा करवा सकते हैं। ये कैंटीन है जो अभी तो बंद ही रहती है, लॉकडाउन के बाद से कभी खुली नहीं है, ये बंद ही रहती है, जब भी आए हैं तभी बंद ही मिली है। वो उधर से एंट्रेंस गेट है, यहाँ पर खिड़की है जहाँ पर वर्क होते रहते हैं। फाइनली अपना काम तो हो गया कम्प्लीट, अभी चलो निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि घर भी पहुँचना और भी काफ़ी काम है यहाँ पे, वो सुलटाते हैं।